अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास की उर्दू बुक, बिहार बोर्ड की जो उर्दू बुक है, उसका एक चैप्टर कटी हुई शाख पढ़ेंगे, जिसको कमर जहां ने लिखा है। अभी से मैंने सोचा है कि मैं पहले 10th की सारी चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही 9th के अब पढ़ाऊँगी, उसको डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग कमर जहाँ के बारे में पढ़ते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश जो है 1951-52 के बीच समस्तीपुर ज़िला में हुई थी। उनके गांव का नाम बुज़ुर्ग द्वार था और उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनके ख़ानदान के सभी लोग पढ़ाई में दिलचस्पी लेते थे, इसलिए उनको भी अपने ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है पढ़ने के लिए पटना आना पड़ा और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA और PhD किया था। उर्दू अदब से उनकी जो दिलचस्पी थी वो पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गई थी और उन्होंने 1966 में लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहला अफसाना जुनून वफा लिखा था, जो कि 1966 में एक माहनामा सुबह 9, जो इसका नाम था, पटना में ही उसमें लिखना उन्होंने शुरू किया था। और उनका जो करियर जो है उर्दू में, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत जो की थी वो सुंदरवती महिला कॉलेज से शुरू की थी। उनके करियर का आगाज़ जो है वो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में शोबे उर्दू में, मतलब उर्दू डिपार्टमेंट में उन्होंने पढ़ाने से शुरू किया और उन्होंने काफ़ी तरक्की भी की और तरक्की करके वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा बन गए, HOD बन गए। ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से में सदर शोभा बने थे, तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से बने थे। और उन्होंने काफ़ी अफसाना लिखा, मजामीन लिखे, तो अगर उनके जो अफसाने हैं उसमें चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर, ये सब काफ़ी, ये उसको काफ़ी वैल्यू मिला हुआ है और अभी भी वो लिख रहे हैं। तो हम कमर जहाँ के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो कटी हुई शाख के बारे में। कटी हुई शाख जो है, जैसा कि नाम है, नाम के हिसाब से है कि अगर कोई कटी हुई शाख, मतलब कोई ब्रांच पेड़ से कट जाता है तो जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ अलग हो जाता है। तो इसमें एक आदमी है जो कि अपने वतन से दूर दूसरे जगह विदेश चला जाता है और बहुत दिनों के बाद वो वापस अपने वतन आया है। जब वो थोड़ी उम्र हो गई तो वो वापस अपने फैमिली के साथ आया है और उसे थोड़ा अजीब लग रहा है, हर चीज़ थोड़ी नई भी लग रही है और थोड़ा सा अपनापन भी लग रहा है। और लोग जो है, जो उनके रिश्तेदार हैं, चाहे जान पहचान वाले हैं, वो लोग भी थोड़ा अजीब तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि उनको उतना अपनापन भी नहीं लग रहा है, चूँकि वो जानते हैं तो वो बिल्कुल उससे अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। वो आदमी जो है कि वापस जब घर आता है तो उसकी शक्ल लिबास, उसके बोलने चालने का ढंग, क्योंकि वो उतने दिन विदेश में रह चुका है तो काफ़ी बदल जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे फिर भी वो अपने आप को उससे, अपने वतन से जुड़ा हुआ पाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में वही आम के पेड़, शरीफे के पेड़ हैं, उसकी बूढ़ी माँ जो कि अब मतलब मरने वाली है, ज़्यादा मतलब सेहतमंद नहीं है, पलंग पे पड़ी हुई खास रही होती है। और वो जो है जाता है तो देखता है कि सब कुछ तो पहले ही जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग क्यों लग रहा है। और वो सोचता है कि उस वक्त को, कि जब वो वहाँ रहता था और कितने मतलब खुशगवार वाले दिन थे, सारे लोग बहुत ही मेल मोहब्बत से उसके साथ रहते थे। और फिर वो उन दिनों को भी याद करता है जब उसके एक विदेशी दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि तुम इतने पढ़े हो लिखे हो इसीलिए कि यहाँ पे चप्पल अपने तोड़ते रहो, तो तुमको भी विदेश जाना चाहिए। और फिर उसका वीज़ा आ जाता है बाहर जाने का।
फिर उसे याद आता है कि जब वो पहली बार एयरपोर्ट गया था तो वहाँ उसे एयर होस्टेस की याद आती है, कि एयर होस्टेस थी जो कि बहुत उसको मेज़बानी कर रही थी बहुत अच्छे से, तो उसको अपने आप को लगा कि बहुत ज़्यादा ही उसको वैल्यू दिया जा रहा है। फिर उसने देखा कि वो सिर्फ उसके साथ नहीं, सबके साथ, सबको मेज़बानी अपनी अच्छी तरह से सबके साथ कर रही थी। फिर जब वो विदेश जाता है तो विदेश में सारे लोगों को देखता है कि बहुत ही मशीनी टाइप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि सिर्फ आज में जीते हैं, और इसको बहुत बेचैनी होती है कि लोग इस तरह से कैसे जी लेते हैं सिर्फ जो कि आज में, वो जो कि ना कि अपने फ्यूचर को नहीं सोचते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और वो अपने एक दोस्त असद से इसके बारे में बात करता है, तो असद बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ये लोग अब बिल्कुल रोबोट हो गए हैं। तो ये भी इसको भी लगता है कि हाँ सही बात है, ये लोग बिल्कुल रोबोट हो गए हैं जो कि सिर्फ आज की ज़िंदगी में जीते हैं, बस सिर्फ जिए जा रहे हैं, उनको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। और अक्सर उसे अपने जैसे दूसरे दोस्तों की ज़िंदगी पर मलाल होता कि रात में जो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो रात में उनके बीवी बच्चे उनसे पहले सोए हुए बात मिलते हैं, और उसे मतलब हफ्तों तक अपने बच्चों से जी भर कर बात भी नहीं कर पाते हैं। और वो अपनी ज़िंदगी से उतना मुतमईन नहीं था, उसको लगता था कि क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसे ही के लिए है। वो बाहर आकर भले ही बहुत अच्छा कुछ खा रहा था, बहुत अच्छा खासा रकम जमा कर रहा था, उसके पास सारे जितने भी ज़रूरियात के चीज़ थे, फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशनर, सब चीज़ थे, लेकिन उसको फिर भी उससे तशफ़ी नहीं हो रही थी। उसको जो है कि रात में करवटें बदल बदल के मतलब उसकी रात गुजरती थी, और घर पर जब भी उसको कोई ख़त माँ के तरफ से या रिश्तेदार के तरफ से आता था, वो बहुत हफ्तों तक बेचैन रहता था। और बूढ़े माँ बाप का जब इंतकाल की भी खबर मिली तो वो ठीक से रो भी नहीं पाया, और माँ बाप माँ की तबीयत ख़राब होने के बारे में जानकर वो तड़प कर रह गया। लेकिन एक वक्त वो गुजारा उसने, और अब वो वापस जब घर अपने वतन आया है, अपने गांव आया है, तो उसे लग रहा है कि सारा कुछ बिल्कुल बदला बदला है, लोगों के मिजाज बदले हुए हैं, वो पहले जैसी मोहब्बत पहले से कम हो गई है। और वो इस घर में जो है कि अपने छोटी सी फैमिली के साथ आया है, और वो अपने घर में जैसे जैसे जब जाता है देखता है कि सब कुछ तो पहले जैसा है, लेकिन जब आँख उठा कर देखता है तो काफ़ी धूप पड़ रही थी, जब आँख उठा कर देखता है कि ऊपर से छत गायब है, जो कि मतलब कि उसका घर टूट चुका है। तो ये कहानी यहीं तक थी, ख़त्म हो, ये कहानी अब ख़त्म होती है। इसमें बस राइटर ने यही दिखाया है कि किस तरह से लोग जो अपने घर को छोड़ करके पैसा कमाने बाहर जाते हैं, और किस तरह से उनके जो जो पुराना पुराने रिश्ते होते हैं, पुराना घर होता है, किस तरह से बिगड़ जाता है, कैसे वो टूट जाता है, इसको उन्होंने इस कहानी के ज़रिए दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।